आइए सर, देखिए फिर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। आप लोगों ने लास्ट 9th क्लास में पढ़ा है कॉन्गुरेंट। और फुल डिटेल में पढ़ा है आपने, स्पेशली मैं बात करूं कॉन्गुरेंट ट्राइंगल्स। और यहाँ हमारे पास है सिमिलर ट्राइंगल्स। तो कोई बच्चा जरा मुझे बताएगा, व्हाट अबाउट द कॉन्गुरेंट, व्हाट अबाउट द कॉन्गुरेंसी? सर कॉन्गुरेंट कॉन्ग का मतलब सेम साइज और सेम शेप होनी चाहिए, साइज सेम, एग्जैक्टली और सेम शेप। सेम, ओवरलैप यस सर, ओवरलैप। सिमिलर का मतलब होता है शेप सेम लेकिन साइज डिफरेंट हो। जरूरी है, साइज यस सर, डिफरेंट होना सिमिलर। यस इज सर, यस सर, नेसेसरी कि साइज चलेगा। मस्ट बी डिफरेंट। नो सर, साइज सेम भी हो मे सकता है। बी पॉसिबल। यस जी भाई, सब बच्चे बताओ। देखो हमने जब पढ़ा था कॉन्गुरेंट, आइए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सब बच्चे प्लीज ध्यान से समझें, हो क्या रहा है। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप। सब थोड़ा सा जाग रहे हैं ना? यस सर, यस सर, यस सर। गुड। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप। ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया है। नाउ द टॉपिक इज ज्योमेट्री, एंड ज्योमेट्री इज टोटली डिपेंड्स ऑन शेप। और डिस्कस अबाउट द शेप्स। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम शेप को कंपेयर करना चाहते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करना चाहते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं डेली लाइफ में, तो कलर की बात कर सकते हैं, टेस्ट की बात कर सकते हैं, शेप की बात कर सकते हैं, साइज की बात कर सकते हैं, उसके सॉफ्टनेस की, हार्डनेस की बात कर सकते हैं। डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जिन पे हम डिस्कस कर सकते हैं, जिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को। लेकिन अगर हम शेप को कंपेयर करना चाहें, तब हम कौन से पैरामीटर पे उनको कंपेयर करेंगे? क्या हम सॉफ्टनेस हार्डनेस की बात करेंगे? ठीक है, क्या हम उसमें टेस्ट की बात करेंगे? क्या हम उसमें कलर की बात करेंगे? क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है? आप कौन से, नो किन चीजों पे आप शेप को कंपेयर करते हो? तो अगर शेप को कंपेयर करते हो तो आप ध्यान से देख लीजिए करते क्या हो। भाई सपोज करो मैं एक शेप ये ले रहा हूं, और सपोज करो मैं एक शेप ये ले रहा हूं, सिंपल। तो नाउ हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे कि भाई एक शेप ट्रायंगुलर है और एक सर्कुलर है। तो इस तरह से हम कह रहे हैं, ओके। दूसरा हम कह रहे हैं, नहीं सर हमारे पास क्या है, ये भी सर्कुलर है और ये भी सर्कुलर है। अब हम यहाँ किस तरह से बात करें, तो इसका मतलब शेप तो एक तरह से सेम हो गई, बोथ आर सर्कल। बट अब हम कह सकते हैं साइज कि भाई एक छोटा एक बड़ा है। तो इन फिगर्स वी हैव ओनली टू पैरामीटर्स, टू थिंग्स टू डिस्कस और टू कंपेयर। जो अभी हमने डिस्कस भी किया कि एक हमारे पास होता है साइज और एक हमारे पास होता है शेप। अगर हमारे पास टू फिगर्स में, इफ टू फिगर्स हैव सेम शेप एंड साइज, दे आर कॉल्ड, ठीक है जी, कॉन्गुरेंट फिगर्स। प्लीज जरा ध्यान से देखिए, हर चीज का मैथ्स में क्या, इवन साइंस में क्या, इवन लैंग्वेजेस में क्या, जो भी टर्म्स हैं, जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं, जो भी डेफिनेशन, उनका एक अपना पर्टिकुलर मीनिंग है, इवन चाहे सिंबल ही क्यों ना हो। हमारे पास क्या है, अगर हम ये कह रहे हैं जो आपने 9th में पढ़ा कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्गुरेंट ट्राइंगल डी, तो इसका मतलब यह है कि अगर ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है और ये हमारे पास ट्राइंगल डी एफ है,
तो इसका शेप और साइज दोनों सेम है। अभी तो मैं बना रहा हूँ तो हो सकता है कुछ थोड़ा सा आपको कम ज्यादा दिखाई दे रहा हो, बट इन आइडियल सिचुएशन जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो सेम होना चाहिए। तो यहां अगर आप चेक करेंगे, एक साइन है हमारे पास ये जो कॉन्गुरेंट का सिंबल है, और एक साइन हमारे पास है ये, तो ये मेंशन करता है साइज को और ये मेंशन करता है शेप। तो ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, इफ टू फिगर्स आर कॉन्गुरेंट तो फिर उनका शेप सेम होता है, ठीक है जी। अगर हमारे पास शेप एंड साइज बोथ आर सेम, दे आर कॉल्ड कॉन्गुरेंट। इफ ओनली शेप आर सेम, दे आर कॉल्ड सिमिलर। इन टर्म्स को, इन चीजों को हम रोज सुनते हैं। ओहो, आज तो शाहरुख खान हो रहे हो, तो शाहरुख खान नहीं हो गए आप शाहरुख खान जैसे हो गए, आपका हेयर स्टाइल, आपका लुक, आपका कपड़े में भी पॉसिबल, ठीक है। हम बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के मॉडल्स छोटे छोटे से शोपीस के फॉर्म में लेके आते हैं, अपने शोकेस में रखते हैं, तो दे आर नॉट, जैसा ताजमहल का अगर मैं कहूँ तो नॉट ताजमहल बट दैट इज सिमिलर टू ताजमहल। तो अगर हम सिमिलर का एक मॉडल, ताजमहल का अगर एक मॉडल लेके आते हैं, तो वहां हम क्या करते हैं, वहां हम सिर्फ उसकी शेप सेम नजर आ रही है ताजमहल जैसे, तो हम कहते हैं इट इज सिमिलर टू ताजमहल। तो जब वर्ड सिमिलर का आएगा तब वर्ड आएगा शेप हमारी सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे अभी बच्चे ने कहा था, इफ टू फिगर्स आर कॉन्गुरेंट्स दे आर ऑल्सो सिमिलर, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास टू फिगर्स कॉन्गुरेंट्स हैं, अभी आप कह रहे थे सेम शेप सेम साइज को ओवरलैपिंग, यस यू कैन से ओवरलैपिंग, यू कैन से समटाइम्स जीरोक्स कॉपी, बट जीरोक्स कॉपी ध्यान रखना ऑफ द सेम साइज, क्योंकि जीरोक्स कॉपी को हम कम और ज्यादा साइज में भी ले सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, बट ऑफ द सेम साइज। और जब हम इक्वल की बात करते हैं तो इन ऑल रेस्पेक्ट, आपने वर्ड सुना होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गुरेंट ट्राइंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ध्यान से ये समझ लीजिए कि आप यहाँ पे जो ट्राइंगल ABC ले रहे हो और ट्राइंगल DEF ले रहे हो, तो कौन सा एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, किस रेस्पेक्ट में, आप एंगल A को D के कॉरेस्पॉन्डिंग ले रहे हो या E के कॉरेस्पॉन्डिंग ले रहे हो या F के कॉरेस्पॉन्डिंग, किसको किसके साथ ले रहे हो। मैं इसको सिंपल ये कहता हूँ कि भाई सिर को सिर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, हाथों को हाथों के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, पैरों को पैरों के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हम दो आदमियों की बात कर रहे हैं कि भाई इनका सिर देखो, इनका सिर बड़ा है, इनका सिर छोटा है, इनके हाथ लंबे हैं, इनके हाथ छोटे हैं, लाइक दिस, तो करस्पॉन्डिंग आप कंपेरिजन करेंगे। इवन अगर हम हैंड्स की भी बात कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, तो राइट हैंड को राइट हैंड के साथ कंपेयर करेंगे, ना कि एक पर्सन का राइट हैंड और दूसरे का लेफ्ट हैंड, नहीं। तो यहाँ भी करस्पॉन्डिंग टर्म ऐसे ही आएगी। अच्छा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंग का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ट्राइंगल जो है हमारे पास जिस तरह से दिया हुआ है, दूसरा वाला ट्राइंगल भी उसी तरह से हमें दे दे। ये हमारे पास ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है, बट हो सकता है दूसरा वाला ऑब्ट्यूस ट्राइंगल कुछ इस तरह से बना के दिया हो, तो हमें समझ में ही ना आए कि बेस कौन सा है, साइड कौन सा है। तब हमें वहां देखना पड़ेगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी साइड, मान लो हम इस साइड को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ले रहे हैं और इस वाली साइड को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, तो वहां हमें चेक करना पड़ेगा कि हम किस साइड को किसके साथ ले रहे हैं। ये वाला जो हमारा एंगल है हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ले रहे हैं सपोज करो, ये जो हमारा एंगल है सपोज करो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, तो वो हम देखेंगे और वो यहाँ हम सिमिलर में भी देखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म जो यूज हो। खैर, अब हम बात कर रहे हैं सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिमिलर। तो सिमिलर का मतलब है सेम शेप। अब आप खुद मुझे बताओ, अगर मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, 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 क्या इनकी शेप सेम है? हाँ भाई, क्या लाइंस की शेप सेम है? यस सर। यस सर। लाइन में कोई शेप नहीं होती, कुछ नहीं होता, जस्ट एक लेंथ है सिंपल, तो आप जितनी चाहे लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, टेढ़ी मेढ़ी कर दीजिए, बट वो लाइंस ही है, तो दे ऑल आर सिमिलर। तो ऑल द लाइंस आर सिमिलर। जैसे अगर आप इसी मेरे पेज पे देख रहे होंगे तो ये लाइंस मैंने हमारे इस पे ड्रॉ हुई हुई हैं ऑलरेडी, जैसे आपकी नोटबुक पे होती हैं, तो ऑल लाइंस आर सिमिलर, ठीक है। अब यहाँ आप ये भी नहीं कह सकते कि सर ये मोटी लाइन है और ये पतली लाइन है, ये भी नहीं कह सकते। आपको पता होना चाहिए आइडियली डेफिनेशन जो लाइन की है उसमें क्या है, लाइन हैज नो ब्रेथ, नो डायमेंशन, पता है ना आपको, ठीक है।
तो लाइन की जब हम बात उस लाइन की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई लेंथ ब्रेथ होती ही नहीं है, तो उसमें मोटी पतली नहीं हो सकती। हाँ हम ड्राइंग में मोटी पतली लाइन लेते हैं, बोर्ड लाइन लेते हैं, डॉटेड लाइन लेते हैं, लेकिन हम ज्योमेट्री की लाइन की जो बात कर रहे हैं उसकी नहीं ले रहे। तो ऑल द लाइन आर सिमिलर। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास जो सर्कल होते हैं तो सारे सर्कल का शेप राउंड है, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। ये नहीं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल राइट ट्रायंगल के सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, एक स्क्वायर ये है एक स्क्वायर ये, तो दोनों का जो शेप होगा वो सेम नजर आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑल द लाइंस, ऑल द सर्कल्स, ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल द स्क्वायर्स, या आप ये कह सकते हैं अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कभी रेगुलर पॉलीगन। यस सर, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन उन्हें कहते हैं जिनकी सारी साइड, सारे एंगल, सारे डायगोनल, सारे एल्टी, जो भी आप लेना चाहें उसमें, वो सब इक्वल होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो अ रेगुलर पॉलीगन, स्क्वायर इज आल्सो अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर हेक्सागन आपने सुना होगा, रेगुलर पेंटागन आपने सुना होगा, तो वो भी हमारे रेगुलर फिगर्स हैं, रेगुलर पॉलीगन्स हैं। तो जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, ये हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम बात ये कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है ट्रायंगल, ये हमारे पास है ए बी सी, ठीक है सर, ये बस। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर हैं, या हम फिगर्स की बात करें, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है ट्राइंगल जो सिमिलर होते हैं भाई, शेप सेम जो होगी वो डिपेंड करेगी एंगल्स पे, कि आपने एक साइड्स को कितने एंगल पे मूव किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारे एंगल सेम बनेंगे तभी ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे। तो हम कहते हैं कि भाई ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब दोनों अपोजिट भी कह सकते हैं, कि अगर एंगल्स इक्वल हैं, इफ एंगल्स आर इक्वल, या यहाँ पे मैं ट्राइंगल ना डिस्कस करके अभी सिंपल पॉलीगन डिस्कस करूं, ट्राइंगल हम आगे डिस्कस करेंगे, हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है कि टू पॉलीगन्स आर सिमिलर if corresponding angles are equal। तो मैंने अभी आपसे कहा था जैसे ट्राइंगल सिमिलर तभी होंगे जब उनके एंगल्स इक्वल होंगे। भाई सीधी सी बात है, एक हमारा ट्राइंगल है उसका एक एंगल सपोज करो यहाँ 40 डिग्री का हो रहा है, और दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस ही एंगल 140 डिग्री का हो रहा है, तो फिर उनकी शेप कैसे सेम हो जाएगी? जब तक दो साइड्स में जो झुकाव होना चाहिए, ठीक है, वो सेम नहीं होगा तब उनका शेप कैसे सेम बनेगी? तो टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड दूसरी चीज यहाँ पे है द रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। बेटा एक बार दूर से ही देख लो कौन है। रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। मोहम्मद अरमान गेट पे देखिए बेटा, बाहर वाला गेट मत खोलना। रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तभी हम कहेंगे कि हमारे पॉलीगन सिमिलर हैं। आप जरा ध्यान से समझिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास एक ताजमहल है, ठीक है, और उसके पास ये गुंबद है और ये मीनारे हैं, और अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि अगर ये 10 मीटर की है जो हमारा गुंबद है और ये मीनार जो है 20 मीटर की है, तो जो आप मॉडल बना रहे हो अगर आपने उसमें 1:2 का रेशो नहीं रखा कि भाई गुंबद अगर 10 मीटर का था और मीनार आपकी 20 की थी, और आपने जो मॉडल बनाया
उसमें डॉम भी आपने 10 मीटर का, 1 सेंटीमीटर, मैं 1 का कह रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर का कर दिया और मीनार भी 1 सेंटीमीटर की कर दी, तो क्या ये उस ताजमहल के सिमिलर नजर आएगा? नहीं सर। बात समझ में आ रही है भाई आपको? शेप सेम रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आपने 10 मीटर का ना बना के 1 सेंटीमीटर का बनाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुंबद को 1 सेंटीमीटर रखो और मिनारेत को आप 2 सेंटीमीटर रखो, तब उसका मॉडल सेम नजर आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो साइड्स का रेशो है उसको सेम रखना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास जो शेप बन के आएगी दोनों की वो सेम नजर आएगी। तो ये ज्यादा जरूरी होता है कि भाई अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास ट्राइंगल है जिसकी साइड 1, 2, 3 है या 1, 1, 1 है, तो दूसरा ट्राइंगल भी हमारा सेम शेप का तभी लगेगा जब उसकी साइड्स का रेशो सेम होगा। अगर ये मान लो 1, 1 है और ये मान लो 4, 4 है, तब हम कहेंगे हाँ भाई शेप सेम आ रही है। तो पॉलीगन्स के लिए, ट्राइंगल में तो थोड़ा सा स्पेशल केस हो जाएगा अभी हम पढ़ेंगे, पॉलीगन्स में हमारे पास क्या है? टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कैसे? इसको हम एक्सप्लेन भी करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये दो चीजें हम ले लेते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर है। अगर आप बात करेंगे स्क्वायर में, ठीक है, तो ये साइड 2 है, ये साइड 2 है, ये साइड 2 है, ये साइड 2 है, और ये एंगल 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर में एंगल इक्वल होते हैं 90-90 ईच, ठीक है, और ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90। अब आप खुद मुझे बता सकते हैं कि स्क्वायर में और रेक्टेंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, यस और नो? यस सर। यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री है, बट ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। क्यों 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 नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज इक्वल करी है कि भाई एंगल्स इक्वल है। साइड्स की अभी हमने, साइड्स की अभी हमने बात नहीं कर रहे, साइड्स का रेशियो सेम आ नहीं सकता क्योंकि एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल। इसी तरह से मैं अगर आपसे कहूं नहीं सर, अगर हम सिर्फ साइड्स को ही इक्वल कर दें इन पॉलीगन, नॉट इन ट्राइंगल, अभी ट्राइंगल की बात ही नहीं कर रहे, सपोज करो हमारे पास ये रोम्बस है, इसका रेशो 1, 1, 1 है, सारी साइड 1 सेंटीमीटर की है, और ये हमारे पास स्क्वायर है, इसकी भी सारी साइड 1 सेंटीमीटर की है। अब हमारे पास साइड्स का रेशो सेम है बट एंगल इक्वल नहीं है, तो क्या ये फिगर सिमिलर है? नहीं है, दोनों चीजों में नहीं है। अगर सिर्फ एंगल इक्वल होगा तब फिगर सिमिलर है, पॉलीगन्स, ठीक है, फोर साइड्स की बात कर रहा हूं, और अगर सिर्फ रेशो सेम होगा तब भी नहीं होगा। तो दोनों की जरूरत है कि अगर हमारे पास क्या है, ये सपोज करो हम ले रहे हैं स्क्वायर, ये साइड 1 है, एंगल 90 डिग्री है, ये सपोज करो हम स्क्वायर ले रहे हैं, ये साइड 2 है और एंगल 90 डिग्री है, तब हम कहेंगे यस दीज शेप्स आर सिमिलर, सिंपल। तो आपके पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि भाई सिर्फ आप हमें ये बता दीजिए कि ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर क्या है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे बेस्ड, सिंपल। जैसे हमारे पास ये है एक्सरसाइज 6.1, तो इसमें कुछ करने के लिए है नहीं, 6.1 में सिर्फ यस नो में आपको आंसर देना है। Yes. आपसे कह रहे क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है, नॉट नेसेसरी कॉन्गोरेंट, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, which triangle, equilateral or isosceles? Equilateral. Now the fourth part is this, what we are discussing, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal, equal and their corresponding sides are
proportional proportional same ratio ठीक है. Now question number 2 is simple. Give two different examples of pair of similar figures. So two different figures of similar. Yes. अभी मैंने आपसे कहा था two lines are similar and similar. Two circles are similar and non-similar figures. So one triangle and one quadrilateral ले लीजिए, one circle and one square ले लीजिए. So these are non-similar figures. Yes. State whether the following quadrilaterals are similar or not. आपके पास क्या है अगर आप यहाँ देखेंगे जो साइड्स का रेशियो है, साइड्स का रेशियो कैसे लेते हैं, ये साइड हमारे पास 1.5 है और ये हमारे पास 3 है. तो हमारे पास क्या हो रहा है 1.5 upon 3 is 1/2. तो रेशियो जो साइड्स का है वो तो 1/2 हो रहा है. एसी बंद कर दीजिए. वो तो 1/2 हो रहा है बट एंगल्स हमारे पास एंगल्स डिफरेंट है. एक हमारे पास रोम्बस है, एक हमारे पास स्क्वायर है, माप 90 डिग्री है, वहां मालूम नहीं है. तो फिर हमारे पास ये शेप आपको नजर भी आ रहा है कि शेप सिमिलर नहीं है. यस दे आर नॉट सिमिलर. तो सिंपल इतना सा था हमारे पास सिमिलर क्राइटेरिया. ये मैं डिस्कस भी नहीं करता फर्स्ट एक्सरसाइज, तो बच्चे लोग मैंने कहा यहीं से स्टार्ट करते हैं. आइए अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज है.